लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन की किस्म है जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता दी है अब हम देखेंगे कि, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम किस तरीके से करता है और कौन सी ऐसी चीजें जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमें हेल्प आउट करती है मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और यहां पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है वो देखते हैं सबसे पहली चीज लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप जब भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं किसी भी चीज की और खास तौर पे जब भी कभी आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को देखते हैं आपके पास जो लास्ट चीज प्रडिक्ट होती है एक क्लास की ठीक है वो, वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे आपके पास आती है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज के होने के या अक्रेंस के चांसेस इम्कानात इम्कानात को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है ठीक है किसी चीज के अक्रस के इम्कान ठीक है अगर कोई चीज के अक्रस के इम्कान जीरो हैं तो इसका मतलब है वो चीज अक्र ही नहीं करेगी अगर वन है तो इसका मतलब है कि हाईली पॉसिबल है कि वो चीज अक्र करेगी अगर ये इसी की वैल्यू पॉइंट फाइव है इसका मतलब आधे चांसेस हैं कि अक्र करेगी आधे चांसेस हैं वो चीज़ अक्र नहीं करेगी मिसाल देता हूँ आपको आपके पास एक कॉइन है ठीक है आप इसको उछालते हैं कॉइन ऊपर से नीचे आता है अक्सर का आपने देखा होगा ना वर्ल्ड कप के अंदर टॉस करते हुए अक्सर वो ब्लैक चीज से बाहर भी गिर जाता था सो so, अगर आप ऊपर से उसे नीचे फेंकते हैं तो हेड्स आने के फिफ्टी परसेंट चांसेज है और टेल्स आने के भी फिफ्टी परसेंट चांसेस पॉइंट फाइव प्रॉबिलिटी है हेड्स की एंड पॉइंट फाइव ही प्रॉबिलिटी है टेल्स की और दोनों मिला के पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वन दोनों मिला के एक बनता है यानी किसी एक चीज के अक्रेंस के चांसेस कितने हैं वन का मतलब है हाईली एप्लीकेबल चांसेस हैं कि ये यही होगा इससे अलावा कुछ नहीं होगा उससे एक से कम के चांसेस क्या होंगे कि उससे भी कम चांसेस है किसी चीज के अक्कर होने के यानी कि पचास पचास चांसेस है तो 0.5 फाइव किसी चीज़ के अगर के चांसेस ही नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे कि जीरो चांसेस हैं ठीक है सो प्रोबेबिलिटी so, की ये एक वैल्यू आप याद रखिएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से आपके सामने आती है और यूजली होता क्या है जब आप प्रॉबिलिटी <clears throat> को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना उस वक़्त आपको ये प्रॉबिलिटी जब आप किसी एल्गोरिथम को लगा रहे होते हैं ना तो उस वक्त आपके पास ये वाली जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना ये एट द एंड आती है हर क्लास की से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास ए है एंड क्लास बी है ठीक है सो मेरे पास इसकी भी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की और इसकी भी आएगी ठीक है अक्सर औकात फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी पॉइंट सेवन है तो पॉइंट थ्री दूसरी की होगी इसका मतलब है एक ही कंडीशन में इसके सत्तर फीसद चांसेज हैं इसके तीस फीसद हैं अगर मैं परसेंटेज में डालूँ इसको ठीक है so, सो ज़ाहरी बात है ज़्यादा चांसेज जिस प्रॉबीबिलिटी के होंगे वो हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्लास प्रिडिक्ट हो जाएगी राइट right? अब मैं अभी इस वक्त आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं बता रहा बट ऑन दी अदर साइड जस्ट टू लेट यू नो कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे हमारे पास कोई भी एक चीज़ जो है वो अक्कर होती है ठीक है अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमारे पास जब कोई चीज आती है तो उसको कुछ इस ग्राफ के तहत हम देखते हैं ये एक ग्राफ है ठीक है इसके ऊपर आपके पास कुछ इस तरीके से एक फंक्शन यूज होता है सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा ही बना दिया इतना भी ज्यादा ये सीधा नहीं है फंक्शन सो so, यहां पे नहीं एस मेरे से सही नहीं बनता अक्सर दिस वन इज गुड तो इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन होता है ठीक है जिसको बाय द वे हम नाम देते हैं बाकायदा क्या नाम देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर इसको हम सिगमोइड फंक्शन बोलते हैं सिग्मोइड फंक्शन ठीक है और हमारे पास अक्सर औकात जब भी कोई प्रोबेबिलिटी आती है तो यहां पे इस तरीके से हमारे पास इसी फंक्शन का सेंटर होता है ठीक है और अगर आप गौर करें ये एस की वैल्यू हमें क्या बता रही होती है कि अगर सेंटर से किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कम है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दू पॉइंट तो इससे अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कम है तो वो जीरो में आ जाएगा ठीक है यानी कि ये हमारे पास नीचे वैल्यूज़ जा आ जा जाएंगी सारी की सारी और अगर पॉइंट फाइव से किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वो वैल्यू यहां पे आ जाएंगी इस एक लाइन पे विच इज़ कॉल्ड वन ठीक है तो अगर आप गौर करें हमारे पास जब भी कोई क्लासेस की प्रोबेबिलिटी अक्र होती है तो आप उसको अगर बाइनरी क्लास यानी कि दो क्लासेज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या तो वह जीरो होगी या वन होगी और बेस्ड ऑन द प्रोबिलिटी आप उसको यहां पर असाइन कर देते हैं ठीक है तो सिग्मोइड फंक्शन क्या करता है आपका सिग्मोइड फंक्शन बकायदा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर यूज हो के चीजों को अपनी प्रोबेबिलिटी की बेस पे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो दिखेल देता है ठीक है या वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी या उसकी वैल्यू वन हो जाएगी अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जीरो और वन का तस्वर जो है ये प्रोबेबिलिटी को आपको शो करता है अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं यहीं पे यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है जो यहाँ पे आया एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आया एक यहाँ पे एक यहाँ पे ये यह रेड वाले सारे पॉइंट होंगे ऊपर वाली डायरेक्शन में यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी वन होगी यानी कि वन क्लास जो भी होगी वो इन्हीं क्लासेस में कंसिडर होंगे लेकिन पॉइंट फाइव वाली लाइन से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होंगे ये सारी की सारी जीरो कंसिडर होंगी तो इसका मिसाल का मतलब ये है के 0.5 आपका थ्रेश है इससे ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी आपकी इस क्लास में चली जाएंगी और नीचे वाली इस क्लास में तो फॉर एग्जाम्पल अगर यह वाली क्लास है कि आपके पास जो तस्वीर है या जो डेटा है वो एप्पल का है या मैंगो का तो आप कह सकते हैं वन होगा तो मैंगो जीरो होगा तो एप्पल अगर आप इसको और भी डिफरेंट चीजों में लेके जाना चाहें जीरो हो जाएगा तो आप इसको फीमेल कह दें कोई भी चीज जिसको आप क्लासीफाई कर रहे हैं उसमें मेल और फीमेल अगर आपने देखना है तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं सो सिग्मोइड फंक्शन आपको हेल्प आउट करते हैं और इसको हम एस शेप्ड कर्व बोलते हैं ठीक है और यूजुअली ये आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी सिग्मोइड फंक्शन यूज होगा जिसके अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी बट फॉर नाउ अगर आप इसको एस शेप फंक्शन या एस शेप कर्व तसवर करें फॉर नाउ तो आपको समझ लग जाएगी कि सेंटर से ऊपर वाली चीज़ें सारी की सारी क्या होंगी वो वन की क्लास में चली जाएंगी और नीचे वाली जो होंगी वो नीचे आ जाएंगी तो इस एस शेप फंक्शन का लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा ही रोल है जैसे आप डिफरेंट चीज़ों को जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं टू क्लासेस के अंदर तो आप चेक करते हैं अच्छा इसका कलर कैसा है इसका साइज कितना है तो आप इनको दो क्लस्टर्स में अगर बना देते हैं तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि आपके पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है कैसे काम करती है राइट right? ओके okay. तो अब यहां पे एक और चीज हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम किस तरीके से चीजों को और भी डिटेल में समझ सकते हैं एंड हाउ वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे होते हैं तो हमारे पास किस तरीके से चीजें जो हैं वो कन्वर्ट हो रही होती हैं एंड वी विल ऑल्सो सी के लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हमें कैसे हेल्प आउट करेंगे टू अंडरस्टैंड के लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने दूसरे वाले लेके आता हूँ और हम कोडिंग करके देखते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली शो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन साइड अ पाइथन स्क्रिप्ट एंड होप इट विल वर्क फाइन ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको मैं डायरेक्टली पहले आपको कोड पे लेके जाता हूँ और कल हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को एट दे दिया था नंबर मैं इस नंबर को भी चेंज करके टेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अब यहाँ पे इलेवन नंबर पे जाते हैं जी डॉट एलेवन अंडर स्कोर लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट आई पी वाई एन बी और यहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आप स्टडी करेंगे और कोडिंग करके देखेंगे राइट सो सबसे पहले तो कर्नल साहब मैं ले आता हूं यहाँ पे अपने पास एंड लेट्स स्टार्ट विद द मार्कडाउन फाइल बिल्कुल अभी मैं आपको समझाता हूँ अगर सेंटर में डेटा आ जाए तो क्या होगा जस्ट अ मिनट लो जिस्टिक रिग्रेशन अच्छा आपको भी पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये हमारे पास क्या होगी किस तरीके से होगी और अगर हम को पायलट सॉरी को पायलट को यूज़ करते हैं देन इट विल हेल्प अस टू राइट डाउन के हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या अगर आप चेक करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पहली चीज़ तो यह क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा जो मैंने आपको पहले बताया ठीक है then used to assign observation to a discrete set of classes discrete set of classes ke andar convert karega jise hum classification bolte hain unlike linear regression which outputs a continuous number value logistic regression transforms its output using the logistic sigmoid function theek hai यानी कि होता क्या है जो s function मैंने आपको दिखाया है ना वो क्या करता है जो आपके पास values आती हैं ना एट द एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़ वो उनको कन्वर्ट करता है जीरो या वन में वो जो एस फंक्शन है उसके ऊपर आपने वो वैल्यू को पुट करना है वो फिर उस एस फंक्शन की बेस पे या सिग्मोइड सिग्मोड फंक्शन की बेस पे वो बताता है कि इसको वन में डालना है या जीरो में डालना है है वो भी नोमेरिक वैल्यू समझ आई बात की नोमैरिक वैल्यू को सिग्मोइड फंक्शन फर्दर क्लासिफाई करता है इसी वजह से इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोला जाता है लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाता क्यों नंबर ही आउटपुट करता है लेकिन वो नंबर फर्दर बाद में एक सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन या सिग्मोइड फंक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं टू अ क्लास दैट इज वाई वो कॉल दिस अ रिग्रेशन नॉट क्लासिफिकेशन लेकिन है ये क्लासिफिकेशन टू रिटर्न अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू ठीक है ये जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू है जो हमारे पास एट द एंड आती है विच कैन देन बी मैप टू टू और मोर डिस्क्रीट क्लासेस अच्छा अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ बाइनरी क्लास के लिए नहीं यूज होता देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन जो हम कर सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज फॉर नंबर वन बाइनरी क्लासिफिकेशन ठीक है और यही नहीं आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और आप वन वर्सेस रेस्ट क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं ठीक है सो इट्स टू यू वो हम देखेंगे one versus rest क्या होती है? One versus rest basically ये होती है। है, है? ये कि आप एक की probability देखें ठीक लेकिन मल्टी क्लास और आप जो आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है इसमें इसका ज्यादा रोल होता है तो इसके बाद हम यहां पर देखते हैं जी इसकी अजम्प्शन क्या है assumptions of logistic regression अगर आप एजम्पन्स की बात करें तो जारी बात है हमारे पास कुछ एजम्पशन होती हैं कि अगर वो पूरी हों तो आ, तब ही हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज हम नहीं कर सकते यूज़ ठीक है द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कैटेगोरिकल इन नेचर यानी कि जो आपका पिछले डेटा के अंदर कॉन्टिन्यूस होता था जिसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो कैटेगोरिकल होना चाहिए द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फीचर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों और जो हमारे पास आउटलायर्स हों डेटा में वो नहीं होने चाहिए देर शुडन बी एनी आउटलायर एंड देन देर आर मेनी एजम्पन जो आता आहिस्ता आप देख सकते हैं आपके पास वेरिएबल इंडेक्स का को रिलेशन मैट्रिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ लेकिन जो मेन चीज है आपका डेटा जो है जो प्रोडिक्ट करना है वो कैटेगोरिकल होना चाहिए अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक एग्जाम्पल देखते हैं इन पाइथन और मैं यहां पे लिखता हूं इम्पोर्ट लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज और यहां पे हम करते हैं इंपोर्ट पांडाज एसपी डी import numpy as np import matplotlib जो हम सारी लाइब्रेरी करते हैं वो सारी की सारी यहीं पे लेंगे as and dot py plot as plt फिर हम करेंगे जनाब import seaborn as sns आगे लेके आएंगे from sklearn dot linear models linear model import यहाँ पे हम करेंगे logistic l बड़े लिखेंगे फ्रॉम एस के लर्न एस के लर्न डॉट मैट्रिक क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है एंड देर आर मैनी अदर मैट्रिक्स सॉरी तो मैं यहाँ पे एक स्कोर लेके आऊंगा ठीक है रिकॉल स्कोर लेके आऊंगा एंड देन में लेकर आऊंगा जनाब यहाँ पे Precision स्कोर एफ वन स्कोर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्लासीफिकेशन रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ ये बेसिकली सारे के सारे जो मैट्रिक्स सा हैं उनको यूज़ करके एक रिपोर्ट बना देती है ठीक है एंड देन आप इसके अलावा डेटा को अगर प्री प्रोसेस आपने करना यू कैन ऑल्सो डू दैट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहां पे फ्रॉम एस के लर्न मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट से भी हो गया फ्रॉम एस के लर्न स्टैंडर्ड स्केलर लेबल इन कोडर लेबल इन कोडर और मिन मैक्स स्केलर ये मैं तीनों ले आता होता हूँ ठीक है so, सो जनाब ये मैंने सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं इम्पोर्ट कर ली राइट नथिंग बिगर देन दिस अब हम क्या करते हैं डेटा इम्पोर्ट करते हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे डी एफ इज इक्वल टू अब हमने क्या करना है क्लासिफिकेशन करनी है ना तो मैं टाइटेनिक का डेटा ले आता हूँ फॉर नाउ एस एन एस डेटा सेट टाइटेनिक और डी एफ डॉट हेड कर लेते हैं ये हमारे पास टाइटेनिक का डेटा आ गया ठीक है टाइटेनिक के डेटा में जो खराबी है वो आपको भी पता है कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल हों हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो हमारे पास उसका डेटा के अंदर एक्स जो है वो कोई भी हो वाई हमारे पास कैटेगोरिकल होना चाहिए कैटेगोरिकल कैसे होगा यू नो दैट मैं इसको रन करता हूं यहां पे एक्स और वाई पहले लेके आते हैं फिर हम इनको स्प्लिट करते हैं सो so, सबसे पहले एक्स एंड वाई कॉलम्स वो लेके आते हैं एक्स इज इक्वल टू मैं सिर्फ सर्वाइव्ड को यहां पे ड्रॉप करता हूं ठीक है यानी कि मैं सभी कॉलम्स की बेस पे सर्वाइवल ऑफ वन थिंग इसको प्रडिक्ट करता हूं यानी कि जीरो और वन को मैं प्रडिक्ट करना चाह रहा हूं कि कोई बंदा सर्वाइव किया या नहीं किया ठीक है सारे कॉलम्स की बेस पे तो मैंने वही ड्रॉप किया और वाई में वही ले आया ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहां पे डी एफ डॉट डी एफ के अंदर सर्वाइवड आ गया आप यह भी कर सकते हैं या आप कुछ और तरीका भी आजमा सकते हैं तो मैंने वो सारे के सारे उड़ा दिए और हमने यहाँ पे सर्वाइव की जगह पे दूसरा कॉलम ले आए ठीक है अब आगे चलते हैं आपको यहाँ पे चलते चलते काफ़ी चीजें आज गलतियों के थ्रू भी सीखने को मिलेंगी सो प्लीज स्टे अवेक अब हम क्या करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट द डेटा तो यहां पे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं एटी ट्वेंटी की बेस पे वो हमने कर लिया एंड देन मैं मॉडल बनाता हूँ मॉडल कॉल करते हैं मॉडल इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन हम एक्स ट्रेन के ऊपर मॉडल को ट्रेन करते हैं फॉर एग्जांपल ट्रेन द मॉडल अब आप देखिएगा जो मैंने बात आपको कही है ना गलतियों की चीज़ सी बेस पे हम सीखेंगे अब देखिएगा ये मैंने रन किया उसने मुझे गलती बताई गलती क्या है वो हम देखते हैं वो कहता है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट यानी कि मेल फीमेल जो है ये मेरे पास इस तरीके से ना दो मुझे जीरो वन की समझ आती है मुझे मेल फीमेल की नहीं आती नाउ इज द टाइम टू इनकोड द डेटा और जैसे हमें भी पता है कि पूरे डेटा के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज भी हैं और कुछ और मसले मसाइल भी हैं ठीक है सो पहला काम तो हम ये करेंगे कि डेक के कॉलम को रिमूव करेंगे अब डेटा प्री प्रोसेसिंग हम करने वाले हैं यहां पे प्री प्रोसेस डेटा अब आपको समझ लगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेल कॉलम को आप इसको फिल करेंगे वो कहेगा ये सारी चीजें मेरे पास सही नहीं हैं. तो हम क्या क्या करते the data में सबसे पहला काम क्या है? ठीक है हम रिमूव करते हैं डेक कॉलम को उसके लिए आपको पता है हम क्या करेंगे df. डॉट ड्रॉप और डेक और उसको इनप्लेस ट्रू कर देंगे सेकेंड हमारी बात यह होगी कि इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज इन एज एंड फेयर क्योंकि हमें पता है इन दोनों में मिसिंग वैल्यूज हैं तो मैं यहां पे दोनों की मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर देता हूं और इन प्लेस थ्रू कर देता हूं मैं मीडियन के साथ इम्प्यूट करना ज्यादा मुनासिब समझता हूं तो इस वजह से मीडियन के साथ इनको इम्प्यूट करते हैं ठीक है यहां पर मीडियन मीडियन ठीक हो गया अब इसके बाद मीडियन के बाद अगला काम हम ये करना है कि हमने इंप्यूट कर लिया नाउ हमने काम यह करना है नाउ वी हैव टू हमने बल्कि फेयर के बाद इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज इन इम एंड इम टाउन क्योंकि उनके अंदर भी है ना मिसिंग वैल्यूज आपको याद होगा तो हम उनको भी इम्प्यूट कर लेते हैं दोनों को तो हमारे पास मिसिंग वैल्यू उनका रोल ही खत्म हो गया ठीक है मैं इसको चला नहीं रहा राइट अब हमारे पास मिसिंग वैल्यू के बाद आता है इनकोडिंग द कैटेगोरिकल वेरिएबल जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं सभी को इनकोड करना है यूजिंग फॉर लूप ठीक है अब मैं फॉर लूप यूज करूंगा और सभी को इनकोड करूंगा मैंने लेबल इनकोडर को कॉल की लेबल इनकोडर को बुला के अब मैंने बोला है कि फॉर आई इन डी एफ डॉट कॉलम्स यानी कि ये जब कमांड लगाओ उसके अंदर जितने भी कॉलम आते हैं ना उनकी डेटा टाइप अगर ऑब्जेक्ट है तो उनको ट्रांसफॉर्म कर दो किसके अंदर ये वाले इनकोडर के साथ ठीक है और आपको पता है कि अक्सर ओकात आपकी ऑब्जेक्ट नहीं कैटेगरी होती यहाँ पे हमारे पास कैटेगोरी भी होती है से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डी एफ डॉट इनफो करके दिखाता हूं फिर समझ आ जाएगा यहां पे चेक करें जनाब आपके पास ऑब्जेक्ट ये है ये वाला ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है और ये कैटेगरी है क्लास जो है आपके पास कैटेगरी है तो हमने ऑब्जेक्ट और कैटेगरी जहां पे भी आ रहा है इनको इनकोड करना है ठीक है सो नाउ आई विल यूज द इनकोडिंग टेक्निक इनकोड द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यूजिंग लूप वेयर ऑब्जेक्ट एंड कैटेगरी डेटा टाइप्स आर गिवन ठीक है तो ये जो मैंने पहले लूप बनाया है, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को ले रहा है सो नाउ वी हैव टू यूज टू थिंग्स जिसमें ऑब्जेक्ट भी है या कैटेगरी भी है सो वी कैन यूज के कॉलम इन डी एफ डॉट कॉलम जहां जहां पे भी वो हैं उनको क्या कर दो कैटेगोरी को या ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दो और जैसे ही हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एट द एंड मैं कहूंगा कि जनाब डी एफ डॉट हैड करके हमें डेटा भी दिखा दो तो मैं इसको सभी को रन करता हूँ नाउ यू विल सी द डेटा ये सारा डेटा इन कोड भी हो गया मिसिंग वैल्यूज भी हो गई हैं और हमारे पास डेटा सारे का सारा नंबर में आ गया अगर आप गौर करें अडल्ट ट्रू और फॉल्स है लॉन so, भी हमारे पास ये है इट डजेंट मैटर फॉर नाउ ठीक है अब मैं क्या करता हूँ अपना सारा का सारा मॉडल ऊपर से दोबारा से रन करता हूँ करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ एंड हेयर यू गो आपका टोटल नंबर ऑफ इट्रेशन ली स्ट इसने बोला बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारी काम कर गई है जब आपके पास ये इस तरीके से डब्बा आ जाए दैट मीनस कि आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कर गई है अब हमने किया क्या है पूरे डेटा में सर्वाइव का कॉलम वाइ बाकी सारे के सारे कॉलम हमारे फीचर्स में ठीक है लाइक like दिस हमने सिर्फ सर्वाइव का कॉलम निकाला बाकी सारे के सारे सॉरी सर्वाइव का कॉलम निकाल के बाकी सारे एक्स में रख दिए हैं और सिर्फ सर्वाइव का वाइव में तो हम प्रडिक्ट क्या करने वाले हैं कि बेस्ड ऑन समथिंग क्या हमारे पास कोई बंदा बचा या नहीं ठीक है अब हम क्या करते हैं मॉडल को अवेल्यूएट करते हैं बल्कि उससे भी पहले प्रडिक्ट द वैल्यूज प्रोडिक्ट कैसे करेंगे आपको भी पता है वाई प्रोडिक्ट मॉडल डॉट प्रोडिक्ट और एक्स टेस्ट प्रोडिक्ट होगी नाउ वी विल सी अवेल्युएट द मॉडल इवेल्युएट द मॉडल मॉडल को अवैलुएट करने के लिए आप क्या करते हैं एक्सी स्कोर को प्रिंट करेंगे प्रिसीजन स्कोर को री कॉल स्कोर के एफ वन स्कोर को और आपके पास जितने भी पैरामीटर आप चाहते हैं यहाँ पर लेके आ सकते हैं एफ वन स्कोर भी हमने कर लिया हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी कर सकते हैं और हम हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी मैं इसको रन करता हूँ यहां पर यह सारे के सारे आपके पास मैट्रिक्स आ गए एक्यूरेसी स्कोर वन है इसका मतलब है कि हमारी जो एक वो जबरदस्त आई है री कॉल भी वन है प्रिसीजन स्कोर भी वन है दैट्स फाइन एफ वन स्कोर भी वन है एवरी थिंग इज गोइंग गुड और ये हमारे पास है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं बाय द वे अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप सिंपली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बना लें आपके पास प्रिसजन रिकॉल एफ वन ये तीनों स्कोर यहां पे आ जाएंगे ठीक है सो इस वजह से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको दिखाता हूं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपको फिर समझ आएगी यहां पर हम करते हैं प्लॉट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसको हम प्लॉट करते हैं जैसे हमारा हीट मैप होता है ठीक है इसको प्लॉट करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि हाउ इट एक्चुअली कैन हेल्प अस यहां पे देखें इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ अगर आप गौर करें तो 111 वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे पास जीरो वाली थी ठीक है और वो हमने जीरो की यानी कि जीरो प्रोडिक्टेड और जीरो ओरिजिनल हमारी एक वैल्यू थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हमारे पास जिन वैल्यू के साथ वन था यानी सर्वाइव्ड के कॉलम में वन था और हमने भी वन प्रोडिक्ट किया वो यहां पे आ गई अब इसको और समझाने के लिए हम यहां पे लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं कि प्रडिक्टिड लेबल और आपका जो ओरिजिनल लेबल था लाइक like दिस ठीक है ये देखें ये प्रिडिक्टेड लेबल है ये एक्चुअल है इसका मतलब जब प्रिडिक्टिड जीरो था तो हमने कोई वन तो नहीं कहा अगर कहा होगा तो यहां पर आ जाएगा तो ये होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड का तजाद देखना हो तो यहाँ पे कोई तजाद नहीं है एक्चुअल हमें बता रहा है वन ट्रिपल वन सॉरी ट्रिपल वन यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल थी और हमने प्रेडिक्ट भी इतनी की यहाँ पे हमारे पास अड़सठ ऐसी थी जो वन पे थी और हमने प्रोडिक्ट भी इतनी की ये इतना अच्छा आंसर क्यों आ रहा है रीज़न ये है कि हमने अपने मॉडल को जब ट्रेन किया हमने मल्टीपल वेरिएबल्स लिए हैं यानी कि डेटा हमारे पास अच्छा खासा था इस वजह से हमारे पास जो रिजल्ट है वो अच्छे आ गए एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया कि हमारे पास जो डेटा है वो किस तरीके से एक मॉडल प्रडिक्शन की तरफ जा सकता है नाउ वी कैन सेव दिस मॉडल से फॉर एग्जाम्पल सेव द मॉडल तो मॉडल सेव करने के लिए आपको पहले भी मैंने बताया था पिक्कल को इंपोर्ट करते हैं और इसी के अंदर हम डंप करके मॉडल का नाम लिख देंगे क्योंकि मैं मॉडल को सेव करने वाला हूं मॉडल सेव्ड मॉडल्स के अंदर और इसको हम कहेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेसन और मैं स्टार्ट में जीरो टू लगा देता हूं ताकि ये हमारे पास सेव हो जाए इसको हम सेव करते हैं और अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये मॉडल सेव्ड मॉडल्स के अंदर आ गया ये जीरो टू वाला ठीक है सो so, हमने एक मॉडल ट्रेन करके सेव कर लिया अब ये सेव्ड मॉडल आप डायरेक्टली उठा के भी ना आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को लेकिन आप किस बेस पर प्रडिक्शन करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ ये जितने आपने एक्स यहाँ पे दिए हैं ना जितने कॉलम एक्स के अंदर हैं दीज ऑल मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू डिस्कवर कि कोई बंदा सर्वाइव किया या नहीं किया तो हमने इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में ये ट्रेन किया है कि अगर हमारे पास किसी की पी क्लास हो उसका जेंडर हमारे पास हो या सेक्स एज उसकी हो हमारे पास सिबलिंग स्पाउस का पता हो पेरेंट्स चिल्ड्रन का अगर हमें पता हो फेयर का हमें पता हो अगर कि किराया कितना पे किया हमें यह पता हो इम्बाग कहाँ से किया हमें यह पता हो वो कौन सी क्लास में सफ़र कर रहा है हमें यह पता हो कि वो अडल्ट है मेल है फीमेल है क्या है अडल्ट मेल ट्रू है या फॉल्स है इम्बाग टाउन आ गया अलाइव है कि नहीं अलोन है कि नहीं तो हमारे पास ये सारा डेटा मिल के बता देता है कि कोई बंदा सर्वाइव किया था या नहीं किया था ठीक है तो हमने जब किसी बंदे का पता करना है तो हमें ये सारी इनपुट वैल्यू देनी पड़ेंगी अब हमारा डेटा इतना एक्यूरेट क्यों आया क्योंकि सर्वाइव्ड और अलाइव जो हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं कई कि, किसी हद हाँ तक तो ये इतना एक्यूरेटली प्रोडिक्ट कर रहा है कि मशीन ने भी सीख लिया है कि इसकी बेस में हम देख सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल कैसे प्रोडिक्शन देते हैं अब हमने सीखा क्या है इसके अंदर हमने ये सीखा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको नोमेरिक वैल्यू देती है जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आके सिग्मोइड फंक्शन उसको फर्दर क्या करता है किसमें कन्वर्ट कर देता है एक जीरो या वन क्लासिफिकेशन के अंदर या मल्टीपल क्लासिफिकेशन के अंदर भी वो इसको कन्वर्ट कर सकता है यूजिंग थ्रेश अब इससे क्या होगा इससे हमारे पास एक रिग्रेशन का एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन की वैल्यू देने लग जाता है यानी कि क्लासिफिकेशन के तौर पे यूज होता है फिर हमने कुछ मैट्रिक्स देखे जिसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स है एक्यूरेसी स्कोर टोटली बनना रिकॉल भी बनना है प्रोसीजन भी बनना है इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर बट फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से क्लासिफिकेशन करके हमने टोटली totally टाइटेनिक के डेटा में प्रिडिक्ट किया कि कौन बंदा सर्वाइव कर सकता है कौन नहीं कर सकता और मल्टीपल कॉलम्स को एज एन इनपुट लिया और ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका भी देखा कि हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म आई नो कि अभी भी काफ़ी तरीक़ेकार रहते हैं जो आप खास तौर पर प्री प्रोसेसिंग द दे डेटा के ऊपर लगा सकते हैं और डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए आपको और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी बट अनटिल नाउ आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे काम करें आपका जो अजम्पशन है वो पूरी होनी चाहिए ठीक है और सिग्मोइड फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है अजम्पन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की समझ हो समझ होने के बाद आप ये नोटबुक को यूटिलाइज करके दुनिया के किसी भी डेटा साइट पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं ठीक है और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं यस yes या नो no के अंदर आप या मल्टीपल क्लासेज के अंदर ये था जी सारे का सारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रोला इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ये इन हम ज़रूर पढ़ेंगे बट ऑन एडवांस लेवल अभी हम आहिस्ता आता आहिस्ता आहिस्ता एल्गोरिथम्स को समझ रहे हैं आज का दिन था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम और आज की असाइनमेंट आप सुन लें कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम क्यों है मैंने आपको बता दिया बट इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इसी के साथ ही आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ नोटबुक का डिस् लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है गिठप की डिपोजिटरी आपके पास होगी वहाँ पे ये नोटबुक अभी अपलोड होने वाली है